हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। 2.0 को लेकर लोगों में काफी दीवानगी देखने को मिल रही है, और भाई हो भी क्यों ना, इस फिल्म में दो सुपरस्टार्स एक साथ जो नजर आए हैं। इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का क्लाइमेक्स देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखने का कोई भी प्लान बना रहे हैं तो हम आपको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस फिल्म को आप 3D में ही देखें। अब आप सोच रहे होंगे 3D में ही क्यों, तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नंबर 1, VFX पर खर्च हुए करोड़ों। इस फिल्म का बजट शुरुआत में 300 करोड़ था, लेकिन फिर धीरे धीरे इस फिल्म के VFX में काफ़ी पैसे लग गए, जिस वजह से बजट 600 करोड़ पहुंच गया था। इस फिल्म के VFX पर काफ़ी पैसा लगाया गया है, तो 3D में तो देखना बनता ही है। नंबर 2, अक्षय रजनीकांत की जोड़ी। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए हैं। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोनों की फिल्म में लड़ाई देखना लोगों के लिए दिलचस्प है। नंबर 3, स्टोरी लाइन। इस फिल्म की कहानी एकदम हटके है, जो सस्पेंस बनाए रखती है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म में मिस्ट्री ड्रामा तो देखने को मिलता ही है, साथ ही ये फिल्म एक सोशल मैसेज भी देती है। अक्षय कैसे क्रोमैन का रूप अपनाते हैं, आखिर क्या वजह होती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए आपको ये फिल्म 3D में ही देखनी चाहिए। नंबर 4, शंकर और रजनीकांत की जोड़ी। डायरेक्टर शंकर और थलाइवा जब भी हाथ मिलाते हैं तो तहलका होना तो लाजमी होता है। इस जोड़ी ने इस फिल्म से पहले 2010 में रॉबर्ट में भी साथ काम किया था, और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसीलिए आप इस जोड़ी का बेहतरीन काम देखने के लिए ये फिल्म 3D में ही देखें। वेल, अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो अभी जाइए 3D में देखिए, और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।